The question says, the smaller area enclosed by the circle x square plus y square equals to 4 and line x plus y equals to 2 is, ये सर्कल की इक्वेशन है, x square plus y square equals to 2 का square, में radius 2 है, और x plus y, ये लाइन है, x plus y equals to 2, तो ये कहां से पास कर रही है, 0, 2 and 2, sorry, 0, 2 ये है, और 2, 0, ये वाला पॉइंट होगा, इसको a बोल देते हैं, इसको पॉइंट b बोल देते हैं, तो अपन को कौन सा एरिया का रीजन, एरिया का आंसर निकालना है, ये छोटे पार्ट का, find the smaller area enclosed by the circle, so इसको निकालने के दो मेथड है, सबसे पहले मेथड अपन क्या करते हैं, सिंपल माइनस वाला, अगर मैं इस पूरे आर्क में से ये सेमी सर्कल का आधा पार्ट मतलब क्वार्टर एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से अगर ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दूं तो अपने पास इसके छोटे पार्ट का एरिया आ जाएगा, तो मेथड 1 स्मॉलर रीजन एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन equals to area of quarter circle minus area of triangle. So, area of quarter circle क्या होता है? Pi r square 1/4 minus area of triangle क्या था? Half into base into height. तो यहां क्या हो जाएगा? Pi r कितना आएगा? 2 का square upon 4 minus half into base क्या है 2 और height क्या है 2, दोनों 2 है क्योंकि 90 degree है यहाँ पे, और तो ये 4 cancel, एक 2 से 2 cancel, क्या आया answer, pi minus 2, so this is the area of the smaller region enclosed by the line and this circle. अब इसका दूसरा method क्या है, दूसरा method है by integration, method 2 is by integration. तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहां पे एक अपन एक स्ट्रिप मानेंगे पूरी, इसके अंदर ये हो गई y लेंथ की और इसका जो ये डिस्टेंस है वो क्या है dx, सो एरिया ऑफ ये जो शेडेड रीजन है येलो से, इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे एरिया में से मैं इंटीग्रेट करके इस हाफ में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगेन कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, अब y कहां से कहां जा रहा है, dx कहां से कहां जा रहा है, 0 से 2 तक, तो लिमिट क्या गई 0 से 2, एंड अपने पास एक रिलेशन क्या है x square plus y square equals to 2, क्योंकि इसके अंदर का इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, और अपन ये भी इंटीग्रेशन, ये दूसरा जो अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे इसको भी अपन इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन अगर मैं लूं वापस से y dx, फिर से अगर 0 से 2 जा रहा है, पर इस केस में y की डेफिनेशन क्या होगी, y equals to 2 minus x, और इस केस में डेफिनेशन होगी अंडर रूट 4 minus x square, तो अगर मैं पूरे रीजन में से ये स्ट्रिप मानूं एक, सबसे पहले तो अपन ने ये सेमी सर्कल के मैंने डायग्राम वापस बनाया था, मेरे को क्लियर करके अपन क्या करेंगे, यहां पे एक स्ट्रिप अपन ने सबसे पहले इसके लिए मानी थी सर्कल के एरिया के लिए, ताकि पूरा सर्कल का एरिया कवर कर देंगे, दूसरी स्ट्रिप अपन क्या मानेंगे, सिर्फ यहां से यहां तक की, इसकी लेंथ अपन बोल देते हैं y डैश है, और इसका ये डिस्टेंस है dx डैश है, तो यहां पे क्या हो जाएगा y डैश और dx डैश, यहां पे भी सिमिलरली x कहां से कहां जा रहा है 0 से 2, सेम 0 से 2 0 से 2, बट यहां पे डेफिनेशन क्या है इस वाले के लिए, y के लिए x2 y2 2 का स्क्वायर, और इसके लिए डेफिनेशन क्या है लाइन के लिए x y 2, तो यहां क्या क्या आएगा, अब दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल्स टू 0 टू 2 अंडर रूट 4 माइनस x2 dx माइनस 0 to 2, 2 minus x dx, अब under root of, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, under root of, integration of under root a square minus x square, इसका फॉर्मूला होता है, a square by 2, tan inverse of a,
upon under root a square minus x square plus x by 2 bracket में a square minus x square. Sorry, यहाँ थोड़ी mistake कर दी, ये होता है tan inverse of x upon under root a square minus x square. तो यहाँ a square कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा अपना integration a square मतलब 4 upon 2 tan inverse of x upon under root 4 minus x square plus x by 2 under root 4 minus x square और limit कहां से कहां है 0 to 2 minus integration of इसको क्या ले सकता हूं मैं integration of 0 to 2 2 dx minus तो minus minus plus हो जाएगा क्योंकि minus लगा हुआ है बाहर और integration of x dx तो integration of 2 dx क्या हो जाएगा 2 into x limit 0 to 2 plus ये हो जाएगा x square upon 2 limit 0 to 2. तो यहाँ जब 2 put करेंगे तो यहाँ जब 2 put करा तो ये क्या हो गया 0 नीचे 0 मतलब tan infinity tan inverse infinity कितना होता है ये तो 2 हो गया tan inverse infinity is pi by 2 plus यहाँ जब 2 put किया तो 1 plus ये 0 पर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया फिर अगर अपन ने 0 पुट किया तो tan इनवर्स ये 0 ये भी 0 तो 0 बचा ये हो गया पाई यहां पे क्या आएगा माइनस ये आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर तो ये आ गया 2 तो आंसर क्या बचा अपने पास पाई माइनस माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2 पाई माइनस 2 तो अपन इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं यही आंसर अपना इससे भी आ रहा था इसका मतलब आंसर क्या है pi minus 2. So, option कौन सा correct हो गया? Option B is the correct choice.